तो बस क्लासेस स्टार्ट हो गई है क्या? टेस्टिंग क्या कर दिया आपने, स्टार्ट कर दी? चलो ठीक है, बढ़ गया थोड़ा बहुत। आप क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिखाओ जरा क्या करना। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कुछ क्वेश्चन नीट प्रीवियस ईयर पे डिस्कस करने जा रहे हैं। नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक तो सभी स्टूडेंट्स के पास होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन आप वहां से पढ़ सकते हैं। फिर मैं आपको क्वेश्चन एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं। एक सॉलिड स्फीयर है, मास है m, रेडियस r, ठीक है, रोटेट कर रहा है अपना डायमीटर क्या होगा। और एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका भी मास और रेडियस सेम है और वो रोटेट कर रहा है अपना ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे, ठीक है? अच्छा, एंगुलर स्पीड जो है वो ट्वाइस है। एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर, मतलब स्फीयर की अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो सिलेंडर की 2 ओमेगा है। इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का रेशियो हम बता रहे हैं। देखिए एमटीजी की हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस मैच करना है इसलिए बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 36, एक स्फीयर है और एक हमारे पास सिलेंडर, सिलेंडर डिस्क की तरह बिहेव करता है। कौन सा सिलेंडर? सॉलिड सिलेंडर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। सॉलिड सिलेंडर डिस्क की तरह, और अगर हॉलो होता तो हॉलो सिलेंडर बिहेव करता है रिंग की तरह। ध्यान रखिएगा, यहां पे हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी नहीं कर रहे हैं। ये भी रोटेट कर रहा है और ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, ये भी रोटेट कर रहा है। इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा, इसकी 2 ओमेगा। मास इसका m, रेडियस r, इसका भी मास m और रेडियस r। हमें जो है दोनों की काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन का रेशियो बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी दो टाइप की होती है, जानते हैं आप लोग। एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन जिसको लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, और दूसरी होती है भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ये होती है हाफ एम बी स्क्वायर, और यहाँ रोटेशनल एनालॉग्स इस्तेमाल होंगे, ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो निकालते हैं, रेशो निकाल लेंगे। क्या चाहिए रेशो? स्फीयर और सिलेंडर। तो के वन अपॉन के टू, हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर, हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर। हाफ तो खत्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा दिया है ओमेगा, हाफ तो कैंसिल हो गया। सिलेंडर के लिए, सिलेंडर जैसा मैंने कि आपसे बताया कि सॉलिड सिलेंडर डिस्क की तरह बिहेव करता है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर, ये 2 ओमेगा। सॉल्व करें, एम आर स्क्वायर तो खत्म, ये क्या आ गया, ये ऊपर चला जाएगा 2 × 2 / 1 × 5, इधर ओमेगा स्क्वायर, इधर 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? 2 और 2, 4 को कैंसिल कर देंगे, नीचे बचेगा 5, आंसर आ गया 1:5, 1:5 इज द आंसर। ये समझ आया भाई? नोट कर लीजिए इसको। हो गया बेटा, समझ आ गया सबको?
क्या बच्चे? नहीं हुआ मैंने छोड़ दिया, आगे हमने किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। लाइट रॉड ऑफ लेंथ L has two masses M1 and M2 attached to it two ends. The moment of inertia of the system about an axis passing through the center of mass is perpendicular to the rod. क्वेश्चन नंबर 37, ये एक लाइट रॉड दिया है। फिजिक्स में लाइट जब भी लिखा मिले समझ जाइए मासलेस कह रहे हैं। मासलेस कोई चीज होती नहीं है, लेकिन हम अजम्पशन बेस पढ़ते हैं तो ये मासलेस मान के चल रहे हैं। इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक है? अच्छा जी, लेंथ दी है हमें रॉड की l। हमसे कह रहे हैं एक ऐसा एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और लेंथ के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तभी निकाल पाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला तरीका क्या है? एक लाइन इधर खींचेंगे जिसको y एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे, एक इधर जिसको x एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे और सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा इसका xcm, m1 x1 m2 x2 upon m1 plus m2। पहले पार्टिकल का मास m, ये ओरिजिन पे रखा है तो इसका डिस्टेंस 0। दूसरा m2, इसका डिस्टेंस d, d की बजाय l दिया है तो l ले लेंगे और नीचे m1 plus m2, तो सेंटर ऑफ मास आ गया m2l upon m1 plus m2। अगर यहां कहीं है सेंटर ऑफ मास तो एक्सिस यहां से पास करना है और यहां बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये डिस्टेंस कितना? xcm के इक्वल। और ये डिस्टेंस कितना? l minus xcm के इक्वल। इसको कह सकते हैं L1 और इसको कह सकते हैं L2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा? पार्टिकल के लिए सिंपल फार्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सा डिस्टेंस? एक्सिस से डिस्टेंस। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उस एक्सिस से डिस्टेंस नापा जाए। देखिए सेंटर ऑफ मास आ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए I1 plus I2, पहले वाले के लिए M1 into L1 का स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए M2 into L2 का स्क्वायर। M1, L1 है X, X मतलब XCM, तो ये हो गया M2 L upon M1 plus M2 और ये हो गया M2। इसको यही निकाल सकते हैं चाहे वहां निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? L minus M2 L upon M1 plus M2। तो ये क्या हो जाएगा? M1 L upon, किसी को नहीं आया तो एलसीएम लेके पूरा सॉल्व कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा? L minus M2 L, तो M1L plus M2L minus M2L, ये क्या बचा? ये यानी के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है भाई? M1 M2 L स्क्वायर, अंदर क्या बचा? यहां M2 और यहां M1, नीचे M1 plus M2 का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया
m1 plus m2. This is the answer. आंसर क्या आया अनिता भाभी? चलो नोट करिए, समझ में आ गया भाई बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। एक सर्कुलर डिस्क है, उसमें से एक छोटी सी डिस्क काट के निकाली, ठीक है। जो बड़े वाली डिस्क है उसका रेडियस आर है और मास है 9 m। जो बड़े वाली डिस्क है इसका रेडियस है आर और मास है 9 m। जो छोटे वाली काट के निकाली गई भाई, रिमेनिंग पोर्शन तो ये बचा, जब बड़ी में से आप छोटे वाली काट के निकाल लेंगे, तो जो काट के निकाली उसका मास है m और रेडियस है आर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है। अब हमें बताना है बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए, डिस्क का हम जानते हैं हाफ एम आर स्क्वायर होता है। जब कुछ पोर्शन काट के निकाल लिया गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, कम होगा या ज्यादा? कम हो जाएगा ना, तो जितना निकाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि डिस्क जो निकाली गई वो सेंटर से ना निकाल करके पेरिफेरी से निकाली गई साइड से, उसमें गड़बड़ हो जाती है। उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, बता रहा हूँ आप लोगों को, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप ऐड करना चाहते हैं तब भी और सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तब भी एक्सिस का सेम होना जरूरी है। एक्सिस सेम होगा तभी एडिशन होगा, एक्सिस सेम होगा तभी सब्ट्रैक्शन होगा। एक्सिस डिफरेंट है तो नहीं कर सकते, एक्सिस डिफरेंट है तो सेम एक्सिस मिलाने के लिए हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस। करो यहां पे ऐसी जरूरत नहीं है, इसलिए बता देता हूं, सेकंड क्वेश्चन आएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे हम, देखिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ये हो जाएगा I1 - I2, बड़े वाले में से छोटे वाले का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब बड़े वाले का कितना? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बताया था, हाफ एम आर स्क्वायर, जिन बच्चों को याद नहीं याद कर लीजिएगा। तो हाफ एम आर स्क्वायर, एम मीन्स मास, मास कितना है 9 m और रेडियस कितना है आर, इसका रेडियस आर बाय 3 गलती से मैंने आर लिख दिया, आर बाय 3 है ना, हाँ, जो निकाली काट तो उसका आर बाय 3, तो आर स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू, सॉल्व कर लेते हैं भाई, हाफ
9 m r square minus half m r square by 9. कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लेते हैं, क्या आएगा half m r square कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा 9 minus 1 by 9, ये कितना हो गया 81 minus 1, यानी कि 80 by 9 into half m r square, हाफ से कटती क्या रह जाएगा 40, आंसर क्या हो गया 40 by 9, this is the moment of energy of the remaining portion, आंसर क्या आया A, A for apple, अनीता रावी आमी, हो गया बच्चों रख कर दे इसको, फोटोकॉपी मशीन पुरानी होगी तुम लोग, हो गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, रेडियस ऑफ कायनेशन का रेशियो पूछा है डिस्क और रिंग के लिए, मास सेम है रेडियस सेम है, क्वेश्चन नंबर 39, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला होता है m के स्क्वायर, यहां k को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, कुछ लोग गायरेशन बोलते हैं कुछ लोग गायरेशन बोलते हैं, ठीक है तो पहले तो पता करते हैं किसका कितना होता है, एक दिया है क्या रिंग और एक दिया है डिस्क, सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ सर्कुलर रिंग, डिस्क की बात करें और इधर रिंग की बात करें तब कहीं जाके रेशो की बात करें, डिस्क की बात करते हैं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला एम के स्क्वायर, एम से एम खत्म, के स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टू, अब के की वैल्यू आर बाय रूट टू, दूसरे के लिए देखते हैं, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला एम के स्क्वायर, के की वैल्यू आर, इसको के वन कह दो इसको के टू कह दो तुम्हें चाहिए रेशो, के वन अपॉन के टू ये आ गया भाई आर बाय रूट टू बाय आर, यानी के 1 by root 2, सही है कुछ गड़बड़ है, पहले किसका है रेशो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क है ना, ठीक है डी ऑप्शन, ये आ गए दीपिका पादुकोण, चलिए नोट करिए,
भाई बड़ी जल्दी, दो बॉडी है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एक का 2i, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इक्वल है, और एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो भी बताना है, बता देते हैं भैया। दो बॉडीज हैं, नाम तो इन्होंने नहीं दिया, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी। एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले का कितना है आई, और दूसरे का 2i। काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन दोनों की इक्वल है, हमें बताना है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रेशियो। ठीक है, वेरी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ वन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ, अच्छा पहले वाले के लिए हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए हाफ इंटू टू आई इंटू ओमेगा, हाफ से हाफ खत्म, आई ओमेगा वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू आई, आई से आई खत्म, याद कर देते हैं ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू का स्क्वायर, ये कितना आया टू, अंडर रूट ले लें तो ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू कितना आया, आंसर हो गया रूट टू इज टू वन। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है भाई, सी, चिकनी चमेली, लो आ गई चिकनी चमेली। आप लोग इतना सोफिस्टिकेटेड है नहीं ना, एप्पल बॉय कैट टॉक्स बोल रहा है, समझ में आ गया, नोट करिए बहुत जल्दी। ओके सबका, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तीन पार्टिकल है, मास m है, ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज कर दिया, क्वेश्चन नंबर 41, यहां एक पार्टिकल है मास m, यहां एक पार्टिकल है मास m, यहां एक पार्टिकल है मास m, ठीक है, ट्रायंगल बन गया, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी नाम दिया, ए B और C, ये भी L और ये भी L, अच्छा हमें बताना है इस लाइन के अबाउट, AX के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसको नाम दे देते हैं
नाम तो पहले दिए हुए हैं ए बी और सी, इसकी हेल्प से हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। यहाँ लिख सकते हैं इसको वन टू थ्री ना लिख करके ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी और सी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पार्टिकल के लिए निकालना है और पार्टिकल का कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सा डिस्टेंस? एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल का डिस्टेंस। तो ए के लिए तो डिस्टेंस भाई जीरो है, एक्सिस पे तो रखा है, तो एक्सिस से कितनी दूर? जीरो। बी के लिए एल और सी के लिए निकालना पड़ेगा। देखो जरा ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारे एंगल 60 के होंगे, समझ रहे हो बात को? बिना एंगल के भी कर सकते हैं। ये पूरी लेंथ एल, तो आधी लेंथ कितनी होगी? एल बाय। जीरो प्लस एम एल स्क्वायर आ गया हमारा 5 एम एल स्क्वायर बाय 4। आंसर सी। ठीक, समझ में आ गया भाई? समझदार वैसे समझ जाते हो, समझदार वालों को तो मैं पढ़ा के हम धन्य हो गए। नेक्स्ट देखिएगा 42। सर्कुलर डिस्क बनानी है आयरन और एल्यूमिनियम को यूज करके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा से ज्यादा रखना है, तो किसको अंदर रखें किसको बाहर रखें भाई? बोलो, कॉमन सेंस लगाओ कुछ। देखो समझाते हैं बेटा, मास जितना दूर तक फैला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। सेम मास के दो स्फीयर, एक हॉलो और एक सॉलिड। तो हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? बोलो कितना होता है? इतना ही बताया था। सॉलिड का इतना, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? कौन सा बड़ा है? जाहिर सी बात है ये बड़ा है, किसी को नहीं दिख रहा तो ऐसे देख सकते हैं, डिवाइड कर दो यार 0.67 और ये 0. इसमें मास सिर्फ किनारे पे है, जितना भी मटेरियल पीडीएम है सब किनारे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें सेंटर से लेके किनारे तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हैवी पार्ट जितना दूर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा। तो एल्यूमिनियम और आयरन में केमिस्ट्री पढ़ते हो आप जानते हो आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो आयरन को किनारे पे रखना चाहिए, एल्यूमिनियम है ना हल्का मेटल है तो सेंटर पे रखना चाहिए। तो डिस्क अगर बनानी है तो बीच में कौन आएगा? एल्यूमिनियम। किनारे पे कौन आएगा? आयरन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए अनिता भाभी। ठीक है, हो गया भाई रुक कर दे। अरे पहले वाला तो करते हैं, हो गया दोबारा। Fast,
चलो देखते हैं नेक्स्ट एडजॉइनिंग डायग्राम करेक्ट रिलेशन बिटवीन आई वन आई टू आई थ्री बताना है ट्राइंगल दिया है नॉर्थ से बना के प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में आंसर गड़बड़ है याद से समझ लो यहीं से करें एडजॉइनिंग फिगर में करेक्ट रिलेशन ट्राइंगल है ए बी सी ए बी और सी अच्छा यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन दिया है यहाँ आई थ्री दिया है यहाँ आई टू दिया है ऑप्शन भी लिख देता हूँ पहला ऑप्शन अनिता जी आई वन कंडीशन आई टू दूसरा ऑप्शन बबीता जी क्या कह रही है आई टू ग्रेटर देन आई वन तीसरा ऑप्शन आई थ्री ग्रेटर देन आई वन और चौथा ऑप्शन I3 greater than I2 ऑप्शनों के चक्कर में पढ़ के बर्बाद होने की जरूरत नहीं है समझते हैं अभी अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में मास जितनी दूर तक फैला होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 ये वाला एक्सिस ले रहा है ये वाला AB ये इसकी साइड भी दी है मैंने लिखी नहीं ये तीन चार और पांच तीन चार और पांच अगर मैं इसको एक्सिस मान लूं तो सबसे दूर वाला पार्टिकल कितनी दूर है तीन मीटर या तीन सेंटीमीटर वैल्यू तो लिखती नहीं लोगे तीन सेंटीमीटर तीन मीटर यूनिट को छोड़ो वैल्यू पे ध्यान दो तीन सेंटीमीटर पे सपोज करो अगर मैं इसको एक्सिस मान लूं इसमें पाइथागोरस लगा ली पड़ेगी पहले वाला देखते हैं अगर मैं आई टू को मानता हूं इसको BC को एक्सिस मान तो फार्थेस्ट पार्टिकल जो सबसे दूर है वो कितनी दूर है चार सेंटीमीटर और अगर इसको एक्सिस मान सबसे दूर वाला पॉइंट क्या है ये इसको निकाल ले तो भाई ये कितना है तीन ये पूरा पांच है तो ये कितना होगा 2.5 पाइथागोरस से निकाल सकते हो तीन का स्क्वायर 9 भाई इसको मैं क्या क्या कह दूं मैं आर कह दूं चलो तो कह सकता हूं ना क्या होगा भाई सबसे लंबी साइड कौन सी है यही है ना ये 3 है सॉरी ये है सबसे लंबी ये कितनी होगी 2.5 अगर यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो ये कितनी होगी 2.5 ये 3 है ये अननोन है तो अभी तो सबसे लंबी ये दिखाई दे रही तो 3 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर ऐसे कह सकते हो 9 माइनस 6.25 कितना आ जाएगा 2.75 तीन से कुछ कम आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग आएगा भाई तीन का अंडर रूट 1.73 होता है तीन से कम है तो 1.6-1.5 ऐसे कुछ आएगा ये कितनी दूर है 1.6 तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 का होगा सबसे ज्यादा I3 का होगा क्योंकि सबसे दूर पार्टिकल कहां फैला हुआ है इसी एक्सिस पे फैला हुआ है 4 सेंटीमीटर तक फैला हुआ है और इस वाले को अगर एक्सिस मानो तो 3 सेंटीमीटर तक समझ रहे हो बात को अच्छा अब है क्या जैसा मुझे समझ में आ रहा
ये डायग्राम बनाते हुए गड़बड़ हुई है, प्रिंटिंग ये आई टू है और ये आई थ्री है, क्योंकि इन पहले इनके डायग्राम के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, फिर अपनी समझ के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। तो कैलकुलेशन तो मिल गई, इन्होंने जो किताब वालों ने हमसे कहा उसके अकॉर्डिंग तो भाई है, ये क्या है आई थ्री और ये क्या है, सबसे ज्यादा किसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बीसी का, तो बीसी का सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका है एसी का, और बीच में किसका है एबी का। इसके अकॉर्डिंग अगर इन्होंने जो डिमोशंस दिए हैं 1 2 3 उसकी बात करूं तो बीसी बोले तो ए बी बोले तो और ए सी बोले तो ऐसा कुछ दिख रहा है कहीं, आई थ्री ग्रेटर देन आई वन ग्रेटर देन आई टू, तो इनके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए डी, बीपी का सी भी होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग, ये भी सही का, दो आंसर हो नहीं सकते, आई वन ग्रेटर देन आई टू ए डी होना चाहिए, ये बहुत बढ़िया, तो तीन आंसर तो हो नहीं सकते। अब देखो आंसर दिया क्या है इन्होंने, चेक करना एक बार, इन्होंने दिया आंसर बी बबीता जी, तो बबीता जी तो तभी आएंगी जब ये इनका मार्किंग गलत होगी और सीक्वेंस फॉलो करें तो सीक्वेंस क्या ए बी, ए के बाद क्या आता है बी तो बी सी, ठीक है बी के बाद क्या आता है सी तो ए सी या सी ए, तो ये क्या होना चाहिए आई टू होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, अब अगर बदल दे वैल्यू आंसर तो परफेक्ट आंसर तो यही है, फिर क्या हो जाएगा बीसी को क्या कह दिया इस बार, बीसी को कह दिया आई टू, ए बी को कह दिया आई वन और ए सी को कह दिया आई थ्री, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सिर्फ बी में, जो इनका आंसर भी है। तो अगर इनकी मार्किंग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर तीनों आंसर सही है बी को छोड़कर, जो कि हो नहीं सकता, तो डायग्राम में मिस्टेक है ठीक कर लीजिएगा। तो भैया फिर वही बात कि किताब खरीदने से तैयारी नहीं होती, सॉल्यूशन देख के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, बुक में एरर भी हो गया, अगर आप बुक को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन खत्म, आया समझ। अच्छा यही क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में फिर पूछा है ना, इस बार दोबारा आया हुआ, दो बार आया क्वेश्चन रिपीट हुआ, 95 में पूछा था फिर 2000 में फिर से पूछा, इस बार शायद आंसर सही हो। हो गया ना भाई, चलिए 44 ए बी सी वैल्यूज क्या दी हैं, 3 4 5 तो साफ दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसमें आ रहा है, बीसी में ही आ रहा है ना,
सबसे दूर वाला पार्टिकल कहाँ है, 4 सेंटीमीटर तक, इसको एक्सिस मान के समझो तो फार्थेस्ट पॉइंट कहाँ है, 4 सेंटीमीटर पे, तो सबसे ज्यादा किसका, फिर उसके बाद इसका सबसे कम आएगा रॉड, ये एक्सिस लंबा है, 5 को देख के बच्चे सोच लेते हैं 5 वाला ज्यादा, 5 वाला ज्यादा नहीं है, 5 वाला तो एक्सिस लंबा है, बोलो बोलो क्या कह रहे हो, हाँ सॉरी IAB क्यों हो गया यार, मुझे कंफ्यूज कर दिए, ये एक्सिस ये है बच्चे, ये अगर इसको एक्सिस मानोगे तो सबसे दूर वाला पार्टिकल A है, तो इस एक्सिस से इसको रॉड मानते हुए इससे कितनी दूर तक पार्टिकल है, बात समझ, A पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एक्सिस, अगर तुम इसको एक्सिस मानते हो, इसको AB को कहना चाह रहे हो, तो ये एक्सिस है, मैंने एक्सटेंड कर दिया इसको, इसका सबसे दूर वाला पार्टिकल कितनी दूर है, 3 सेंटीमीटर पे, कौन ज्यादा, बात समझ में आई, अब तुम्हारे दिमाग में आता है कि AC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा, सबसे लंबी दिखाई देती है 5 सेंटीमीटर, लेकिन वो डिस्टेंस नहीं है, वो एक्सिस की लंबाई है, हमें एक्सिस की लंबाई नहीं चाहिए, हमें एक्सिस से दूरी चाहिए, ये तो एक्सिस है और एक्सिस का डिस्टेंस तो यही आ जाएगा, तो 3 से भी कम आएगा, कैलकुलेटर पर मैथ करो उसको आगे, तो सबसे ज्यादा दूर कौन सा है, A किससे, BC से, तो BC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा, उसके बाद समझ में आया, आंसर के अकॉर्डिंग चलें, BC इज ग्रेटर देन AB, कौन सा ऑप्शन, DC का, इस क्वेश्चन से भी वेरीफाई हो जाता है कि पिछले क्वेश्चन में एरर था, हो गया और पढ़ ले, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, रेक्टेंगल दिया है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन रहे हैं, ABCD, अनीता बबीता चमेली और दीपिका, उसके बाद EFGH, इसमें सबसे ज्यादा होगा, एक्सेस तो बहुत बन जाएंगे, जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, पहला ऑप्शन बोलना आगे तरीके क्या है, BC, दूसरा क्या है, BD पे निकलोगे तुम, कितने दूर दिन आ रहे, CH, और EG, चलिए BC को देखते हैं, BC की बात करें तो डिस्टेंस इसमें मिनिमम बता रहा, मैक्सिमम मिनिमम BC का डिस्टेंस कितना होगा, ये इसको एक्सेस मान लेते, चलो ठीक है, इसमें तो वैल्यू समझना पड़ेगा, रेक्टेंगल वैल्यू तो दी नहीं हुई, अच्छा BC इज इक्वल टू 2AB दिया, BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB दिया है, मतलब इसको x कह दो तो ये 2x है, अब हो जाएगा ये x ये 2x, तो BC के लिए BC को एक्सिस माने तो फार्थेस्ट पार्टिकल कितनी दूरी पे है, x पे, फार्थेस्ट पॉइंट कह दो या फार्थेस्ट पार्टिकल कह दो, कितने पे है, x, अच्छा BD को एक्सिस माने, इसको एक्सेस मान लिया BD को, तो डिस्टेंस यहां से यहां तक का चाहिए, अब यहां से यहां तक का कैसे निकालें,
ये पूरा x है तो आधा कितना x by 2 और ये पूरा 2x है तो आधा कितना x x by 2 और x के लिए पाइथागोरस का लगा के हाइपोटेन्यूज निकालो तो x स्क्वायर x by 2 का स्क्वायर 2 ये आ जाएगा r कितना हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय 5x स्क्वायर बाय रूट 5x बाय रूट 5 होता है 2.2 के आसपास 2.23 तो 2.23 का आधा 1.1 तो कितना हो गया 1.1x इसमें कितना आ रहा है 1. hf को x मान लें hf का ये रहा तो farthest particle कितने distance पे और eg को मान लें eg को मान लें तो farthest particle कितने पे है भैया x band पे इसको x मान लो कहाँ पे x band पे या 0. सबसे कम डिस्टेंस किसमें आ रहा है तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका दीपिका का समझ में आया नहीं आया हाँ बोलो क्या समझे क्या दुविधा है नोट कर लो भाई नोट करो दो मिनट अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 46 फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 360 जूल एंगुलर स्पीड दे रखी है 30 रेडियन पर सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन 46 काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दी हुई है 360 जूल और ओमेगा भी दिया हुआ है कितना दिया हुआ भाई 30 रेडियन पर सेकंड और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आप लोगों को हाफ ओमेगा स्क्वायर खत्म 360 हाफ आई 30 का स्क्वायर आई कितना हो गया नहीं थोड़ा दो यार इसको 30 के स्क्वायर को दो बार 30 लिख लो तो कितने से जाएगा 12 और ये कितना हो गया आपका I की वैल्यू 12 into 2 upon 30 ठीक है 62 जा 12 65 जा 30 4 by 5 4 by 5 कितना होता है 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्या ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है भाई चेक करना सिग्नेचर में की सही आंसर गलत सही है नोट करो बहुत जल्दी से हो गया एक और पढ़ लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता 47 रिंग का काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कई बार बता दिया मैंने आपको आज आदमी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रिंग के लिए पूछ रहे हैं ये तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एफ आर स्क्वायर तो आंसर हाफ एफ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कौन सा ऑप्शन अरे बोलो कौन सा ऑप्शन ए अनिता जी आ गई गोली में चलो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम रह गई दो थ्योरम है इसमें पैरेलल एक्सिस करो परपेंडिकुलर एक्सिस करो उसको क्वेश्चन कर करेंगे ठीक है भाई यहां तक कोई डाउट